अब आते हैं एक शख्सियत पर जिनका सारी दुनिया में नाम है और गर्व की बात यह कि वो भारत के टीम के कप्तान रहे, भारत के पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के। महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन है, दिन भर उनके नाम की चर्चा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लीजिए। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे छक्के। साल 2004 में जब धोनी इंडियन टीम में शामिल हुए तो उनकी पहचान यही थी, लेकिन वक्त बदला, धोनी भी बदले, उनका बैटिंग ऑर्डर भी बदला, उनकी जिम्मेदारियां भी बदली, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था उनका काम एंड कूल अंदाज। आज धोनी का जिक्र इसीलिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 42वां बर्थडे मना रहे हैं। धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किए हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई पिछला IPL भी जीत चुकी है, लेकिन आंकड़ों की दुनिया के परे धोनी वो लड़का है जो छोटे शहरों के बच्चों को सपने देखने का सऊर सिखाता है, जो आखिरी तक खुद पर भरोसा करने का संबल देता है और दुनिया को ये बताता है कि खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो और फिर देखो कि दुनिया के बड़े से बड़े मुश्किल मैच कैसे फिनिश होते हैं। तो साहब, महेंद्र सिंह धोनी होना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड से परे कैसे आइडियल बन जाते हैं। धोनी की कहानी उसकी एक परफेक्ट मैच है। धोनी होने के अर्थ क्या हैं युवाओं की नज़र में, समाज की नज़र में, जरा इसको भी डिकोड करें। आज धोनी को जितना मैदान पर लोग पसंद करते हैं उतना ही उनके लाइफ स्ट्रगल से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ा पाते हैं। रांची जैसे छोटे से शहर से माही ने सारी दुनिया फतेह की। माही ने करोड़ों बच्चों युवाओं को यकीन दिलाया कि सफलता पर केवल महानगर के बच्चों का हक नहीं है, वो उनकी बपौती नहीं, मेहनत करें तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा, मैदान पर धोनी हर बैटिंग पोजीशन पर खेले हैं, वो टीम की मजबूत कड़ी बनकर दिखाते हैं। इसने सिखाया कि हर मोड़ पर अलग अलग पोजीशन पर आपको खेलना पड़े तो आप अपनी उपयोगिता को बरकरार रखें। तीसरा, धोनी से कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी का सबक सब लोग सीख सकते हैं और सीखते हैं। और अंतिम बात, उनका कूल अंदाज, उनका धैर्य, खुद की काबिलियत पर अगर आप भरोसा करके टिके रहें, डटे रहें, तो फिर दुनिया को भी मानना पड़ेगा। सब कुछ एक शख्स में मिल जाए ये होता नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो भला क्यों ना देश दुनिया में उनके फैंस उन पर जान छिड़कते हों। तो हम अंत में यही कहेंगे, हैप्पी बर्थडे माही, आप सकुशल रहें परिवार के साथ और लोगों को इसी तरह मार्गदर्शन दें। वैसे करोड़ों फैंस हैं, उनकी दुआएं उन तक पहुँची रहेंगी।